मम्मा याद दिलाई, मैं भूल ही गई थी। इसमें सीड्स डाल रही हूँ और उसमें मिट्टी भी डाल दी है। अब मैं इस पर थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर हम उसको फ्लावर पॉट स्टैंड पे डाल देंगे। हमने मंगवाया है अमेज़न से मैरीगोल्ड सीड्स, तो उसको मैं आपके सामने फाड़ती हूँ। ऐसे पैकेजिंग में आपको मिलता है। मैं ये वाला मंगवाई हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों ने परचेज किया था और बट इस पे फ्रूट वेजिटेबल्स और फ्लावर्स भी लिखा है। अच्छा, ये इसका पैकेजिंग है वैसा, बट ये एक्चुअल में मैरीगोल्ड ही है यहाँ पे लिखा। तो ये मुझे 66 रुपीस में मिला था, तो देखते हैं कि होता है कि नहीं। ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड फ्लावर है, बट लोगों का रिव्यू था कि एक्चुअली देसी वाला ही है, बट लिखते सिर्फ ये है कि अफ्रीकन है। बट उनका अच्छे से ग्रोथ हुआ है और फ्लावर दिख रहा है मैरीगोल्ड, तो हम भी ये लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है। हम मम्मा बोलिए इसका सिर्फ 5 से 6 डालने के लिए और ये सिर्फ 12 महीने तक रहता है। इसका एक्सपायरी इज 12 मंथ्स। तो अभी इसमें से मैं 5 to 6 सीड्स निकालती हूँ और फिर एक पॉट बचा हुआ है उसमें लगा देंगे और भी पॉट्स धीरे धीरे हम लोग खरीदेंगे, है ना। तो मैं इसको कट करती हूँ, इसमें से 5 से 6 सीड्स निकालती हूँ और फिर इसको रबर से बांध के रख देती हूँ। तो इसको एक्चुअली पूरा ही डालना पड़ेगा और है भी कितना थोड़ा सा ही है। तो ये इतना सा ही तो है, पूरा डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू छवि की दुनिया। और छवि की दुनिया के मेरे प्यारे दुलारे न्यारे चाहने वालों, ये छवि जब आपको बोली है कि ये ब्लॉग मेरा आखिरी है, उसके बाद का ये पहला ब्लॉग है। और सीरियसली आप लोगों का प्यार ही है जो मतलब फोर्सली जो है, बहुत फोर्सली बोलते ना, वो मुझे लेके आ जाता है यूट्यूब के पास कि कम से कम आप लोग हो जिससे कभी अगर मुझे लाइफ में लगा कि नहीं मुझे अपना कुछ ऐसा बहुत ये इरिटेटेड हूँ और मुझे कुछ शेयर करना है, तो मैं वो आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, गला थोड़ा ये चौक है। उस दिन सुबह से तो गुड्डू आज सुबह 9:15 चले गए, 9:15 में ही गुड्डू चले गए। मैं पूछूँ सेक बना के दूँ तो नहीं, सेक वगैरह नहीं पी रहा था क्योंकि बोले कि ठंडी में सेक वगैरह पीने की इच्छा नहीं हो रही है मुझे और इतना सुबह कुछ नाश्ता करने की भी इच्छा नहीं हो रही है, तो मुझे दो ब्रेड टोस्ट कर दो। तो गुड्डू को दो ब्रेड टोस्ट करके दे दी, तो गुड्डू दो ब्रेड टोस्ट की तो एक ब्रेड खा, गुड्डू खाते ही नहीं है। गुड्डू का पता है मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, मैं दिन भर अभी मैं हूँ चाहे गोल्डी है घर में रहते हैं, दिन भर कुछ 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 खाते रहते हैं ना, बट गुड्डू है ना वो नाश्ता प्रॉपर नहीं करते। एक सिर्फ रात में जो है वो जो है वो ढंग से खाते हैं, बाकी गुड्डू का जो है सो कि क्या कैसे सही रहेगा। कभी कभी मैं गुड्डू के लिए बहुत टेंशन में आती हूँ, सीरियसली गुड्डू के ना ढंग से ना खाने के कारण मैं बहुत चिंता में रहती हूँ। नाश्ता बस पोहे बनाएंगे यूं 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 यूं, मतलब बच्चा भी ढंग से खाता है यूं यूं करके, ब्रेड यूं 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 करके। अब कुछ अगर आप नाश्ता के टाइम में टोकिए तो बस महाभारत दूसरा महाभारत हो जाए,
इसलिए मैं सुबह के टाइम में कुछ टोकती ही नहीं हूँ, जो खाना है जैसे खाना है खा के जाइए, ताकि ऑफिस जाने का टाइम है उस समय कोई भी टेंशन या फिर कुछ नहीं चाहिए, है ना, वही वाली बात है। तो आज भी यूं यूं करके आधा ब्रेड खाए, सिर्फ बोले दो ब्रेड टोस्ट कर दो बट खाए नहीं। अभी जस्ट उठी है, अपना मेडिसिन खाई है और अभी इनसे मैं पूछूंगी आप सबके सामने ही, क्या नाश्ता करोगी गोल्डी? चीला बना दो, तो चीला खाएंगी ये। तो मैं अभी जा रही हूँ गोल्डी के लिए भी चीला बना देने के लिए। और मुझे ना एक्चुअली खांसी पसंद नहीं है, मुझे ना सर्दी बहुत पसंद है। सर्दी में क्या होता है ना, नाक एकदम लाल हो जाता है, फेस में ना ग्लो आ जाता है। सीरियसली जिसको सर्दी हुआ है ना, आप देख लीजिए उनके चेहरे में ना गजब का ग्लो आता है। तो मुझे ना सर्दी बड़ा पसंद है, लेकिन मजाल है जो मुझे सर्दी हो, बहुत रेयर मुझे सर्दी होता है, खांसी भी बहुत रेयर होता है। सीरियसली मैं बीमार ही नहीं पड़ती हूँ यार, मतलब सर्दी खांसी बुखार ये चीज जो है मुझसे बहुत दूर रहता है, होता नहीं। जब होता भी है तो सर्दी बहुत कम होता है, जबकि मुझे चाहिए कि सर्दी 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 मुझे पसंद है। तो चलिए अभी गोल्डी के लिए चीला बना देती हूँ जल्दी जल्दी, उसका जाऊंगी सार लेने के लिए। सार लेने के पहले नेचुरल ब्यूटी विद छवि के लिए मुझे वीडियो अपलोड करना है, तो उसके लिए मैं जो है ना अपने फेस के ऊपर पैक लगाऊंगी। एक्चुअली ये जो है मैं नाइट टाइम में लगाती हूँ अपने चेहरे के ऊपर, जो अभी मैं डे टाइम में अभी सार लेने के पहले जो अभी लगाने वाली हूँ ना, मैं मोस्टली नाइट टाइम में लगाती हूँ। हफ्ते में समझिए तो 3 दिन ये वाला चीज मैं अपने चेहरे के ऊपर और गोल्डी के चेहरे के ऊपर जबरदस्ती, गोल्डी के चेहरे के ऊपर तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है, फिर भी इसका चेहरा इस मेरे हाथ में आ जाता है, बट इसके पापा का और इसके भाई का चेहरा मेरे हाथ में नहीं आता। अंशु तो अभी मेरे पहुंच से बहुत दूर है, गुड्डू पहुंच के पास रहते हुए भी आप उनके चेहरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कि बस गुड्डू ये वाला फेस पैक लगा दो, गुड्डू स्क्रब लगा दो, गुड्डू ये क्रीम, किसी चीज से बहस नहीं, मतलब नेचुरल। मेरे पति को आप जो आप देखते हैं नेचुरली उतने खूबसूरत है, नेचुरली उतने हैंडसम है, बिना किसी लेप पोत के, है ना, हम लोग लेप पोत के खूबसूरत है। मेरे पति देव गॉड गिफ्टेड खूबसूरत है, हाय नजर ना लगे। चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में चीला बना देती हूँ और उसके बाद सार ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। जो कि टूटा फूटा चीला है एकदम, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा देखना। टेस्ट अच्छा है ना? एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, मैं जो चीला अपने लिए बनाई ना, तो वो भी प्याज जो है ना थोड़ा मोटा कटा हुआ है हल्का सा, तो जब प्याज बारीक कटा ना हो, और अगर प्याज बारीक कटा नहीं होना तो चीला बनाने में उतना मजा नहीं आता। तो क्या हुआ मुझे फिर से वो जो कटा हुआ प्याज है ना उसको चॉपर में चॉप करने की इच्छा नहीं हुई, बट अगर आप चीला बनाते हो ना तो एकदम से बारीक प्याज चाहिए, और अगर टमाटर डालते हो तो एकदम बारीक टमाटर चाहिए, तो बट वो थोड़ा सा मोटा मोटा प्याज था तो वो ना बराबर फैलता नहीं है, तो अच्छा सा चीला बनता नहीं है। तो फाइनली गोल्डी का जैसा भी हो लेकिन टेस्टी है, टेस्ट में अच्छा होगा, बट टूटा फूटा ही सही। चीला दे दी हूँ गोल्डी को, और गोल्डी एक ग्लास दूध बाद में पिएगी, है ना? अच्छा रात में पिएगी, ठीक है रात में पिएगी। और मैं अभी जा रही हूँ फेस के ऊपर लगाने के लिए। एक्चुअली मैं इसे नाइट में लगाती हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बट अभी मैं डे टाइम में लगा रही हूँ क्योंकि सार लेने जा रही हूँ, तो आज कोई फेस पैक लगाई नहीं हूँ, तो अभी मैं वो फेस पैक लगाऊंगी। चलिए मैं फेस के ऊपर लगा लेती हूँ और उसके बाद जा रही हूँ मैं सार लेने के। फेस के ऊपर मैं लगा चुकी हूँ और इसको मैं रखने वाली हूँ अपने चेहरे के ऊपर कम से कम 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं सार लूंगी, तो 1 आवर के लिए मेरे फेस के ऊपर ये रहने वाला।
लगाई हूँ, अभी 1 आवर हुआ है सिर्फ अपने फेस के ऊपर। हाँ थोड़ा सा डाल होना ज़्यादा बस। और जैसे अभी आप देखिए वो लाल साग जो होता है उसका, मतलब लाल वाला जो साग होता है उसका मैं सूखा साग बनाई हूँ, और आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनाऊंगी रात के लिए। पहले मैं कद्दू निकाली थी, यानी कि दुधी लौकी, हाँ जिसको जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप समझ जाइए बॉटल का। और सारे नाम बता दी मैं, बस मुझे इतने नाम पता है। तो वो मैं मीरा ढक दो, दूध को ढक दो, तो नहीं तो कभी अमरूद गोल्डी डालती है तो वो अमरूद गिरा रहता है, कभी नींबू डालती है तो नींबू गिरा रहता है। ऐसे करके फ्रिज बंद कर दी। हो गया हो गया, गैस ऑफ कर दो, साइड में कर दो। तो पतिदेव को लौकी नेनुआ झिंगी सब रात में पसंद नहीं है, उनको थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा तीखा चीज। और जैसे मैं आप सबको स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, खाके रात में प्रेम से है एक बार वो, तो आज नॉनवेज तो बना नहीं सकती, कल बनाऊंगी नॉनवेज। तो आज आलू गोभी का पतला रस्सा वाला जो है वो सब्जी बना रही हूँ, वो बनाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी साड़ लेके। ठीक है तो चलिए सब्जी बना दो। तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ और अभी 4 o'clock हो रहा है, और अभी मैं आई हूँ बेड पे थोड़ा सा लेटने के लिए, कि थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ और थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाऊंगी और थोड़ा सा लेटूंगी, थोड़ा सा डल फील कर रही हूँ। लैम्प है ना, ये जब जलाती हूँ ना तो मुझे बहुत कोजी वाली फीलिंग आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सोती हूँ फिर उठती हूँ फिर बात करती हूँ।